खाओ घटना वो तुम्हारे दोस्त वो शेरी नहीं हो सकता प्राण का शेरी नहीं आता प्राण का शेरी हुआ ही नहीं आज तक मशीनी भी बनी हुई कि प्राण का शेरी ले सके स्वास्थ्यों का शेरी ले सके हई स्किन भी बनी कोई 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 पैरामीटर बना ही नहीं तो प्राण का शेरी लिया जा सके नहीं प्राण कौन है मेरे कलिया का रूप है इसलिए हृदय को साफ करने के लिए मन को साफ करने के लिए बुद्धि को साफ करने के लिए इसीलिए यहां पर मिशन कह रहा है आपको जी मेरे पास सब साधन है मैंने दुनिया में क्या अधेताओं के सब साधनों को इकट्ठा कर लिया पर क्या करूं मेरा मन जो है मेरा मन एकाग्र नहीं होता अंतर नहीं होता जैसे चौपाई ने लिखा ना संघ जीव जब ही जन्म को यह बना दे कमाई मेरा मन विभीषण कहता है मेरा मन भारत साफ नहीं है मेरी बुद्धि साफ नहीं है और संसार के लोग कपड़ों को देखते हैं मकान को देखते हैं गाड़ी को देखते हैं पर आपके पास जब आते हैं तो आप मन और बुद्धि को देखते हो चित्त को देखते हो आप संसार के पदार्थों को नहीं देखते हो रामी मेरे मन को आप साफ कर सकते हैं या आपके संत साफ और कोई 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 उपाय नहीं है विभीषण कहता है बड़े बड़े इंद्रादी देवता को मिल जाके चरणों में झुकते हैं महाराज 33 करोड़ देवताओं का जो मालिक इंद्र है वो मेरे चरणों में झुकता है मेघराज का चेला है इंद्र मेघराज का चेला है और बड़े बड़े देवता बड़े बड़े धनी बड़े बड़े सब साइंटिस्ट आकर हमारे चरण पर मेरा मन जो है बड़ा मैला हो गया है मेरी बुद्धि बड़ी नहीं होगी इसलिए गुरुनानक ने कहा भरिए मटी पापा के सर वो शोक है रामे के राम जपन क्यों छोड़ दिया तेने हरी भजन क्यों छोड़ दिया राम भजन क्यों छोड़ दिया तेने हरी भजन क्यों छोड़े राम भजन क्यों छोड़ दिया तेने हरी भजन क्यों छोड़ दिया राम का आनंद एक शायर ने लिखा राम का वो धनवान वाले राम का धनवान वाले राम का आराम आराम की तरह है बस एक काम कर आराम की तरह है शायर लिखता है आराम की तरह है बस एक काम कर आराम की शरण आराम की शरण ले दिल राम राम दिल के राम राम हृदय से प्राणों से चित्त से बुद्धि से किसी मिलने यहां कह रहा है तब तक प्रसन्न रखी रहो सपने मन विचना सपने में भी उसको शांति नहीं मिलती आनंद नहीं मिलता चैन नहीं मिलता कई बार मैं कहा करता हूं सोने की चैन पहन करके आप बेचैन रहे क्या सोने की चैन पहन करके नेकलेस बढ़िया बढ़िया अगर नेकलेस पहन करके शादी में जाते ना कि शादी हमारा हमारा हीरा लगा हुआ है हमारा ये है हमारा ये ऐसा है सोने की चैन लेकर आप बेचैन रहते हैं और संत क्या है राम नाम की राम नाम की राम नाम की राम नाम की चैन पहन करके चैन से सोते ऐसे मैं नहीं कह रहा एक संत ने लिखा तुलसीदास बाबा लिखते हैं तुलसी कुत्ता राम का हाँ मैं नहीं कह रहा तुलसी बाबा लिखते हैं तुलसीदास बाबा लिखते हैं अपनी रामायण लिखने के बाद लिखते हैं रामायण लिखने विनय पत्रिका से 40 ग्रंथ लिखे उसके बाद लिखते हैं क्या करूं मुझे याद आया राम जी आप प्रसन्न नहीं हुए आप आनंद नहीं हुए आप मैं जब आ रहा हूं तो आप घरे नक्के मिलते नहीं हो खुश होते नहीं हो पर आप मेरे अपने हो जब अपने आदमी उदास होकर मिलते हैं तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है व्यवहार में गड़बड़ है हे राम जी मैं जब आता हूं तो लगता है मेरे राम जी मुझको खुश होकर नहीं मिलते प्रसन्न होकर नहीं मिलते आनंद से नहीं मिलते प्रसन्नता से नहीं मिलते शांति से नहीं मिलते क्या करूं बेचैन हो जाता हूं आप मेरी शादी में जाओ आपको मिठाई बुखार हवा नहीं कह दो खाने वाले खाने के लिए टेबल खड़ी भैया हवा
सेवन स्टार होटल है, नाइन स्टार होटल में आप किसी अपने दोस्त के घर में पार्टी में गए और कोई मिस्त्री वाला नहीं था, इसलिए ये नहीं कहा मान मैं साथ में करता हूँ फिराऊंगा और केवल वो और टेबल नहीं खा लो। बोलो हरी बोल क्या हाल हो जाता, बोले ये काम से अपना टाइम भी वेस्ट किया, अपना टाइम भी वेस्ट किया। तुलसीदास बाबा जी कहते हैं हे राम जी मैं आपके पास हो जाता हूँ, आपसे रोज मुलाकात होती है, आपसे रोज मिलता हूँ, पर मुझे लगता है आपका चेहरा मेरे लिए खुलता नहीं है, इसीलिए मैं आपका कुत्ता बना था। राम जी ने कहा तुलसीदास क्या बात कर, मुझे क्या करूं, बड़े लोग दोहरे कुत्ते को चुनते, बड़े बड़े अमेरिका में तो सही है, मैं भी वहां था आपका वो तो क्या कहते ओरलैंडो के आगे कई बड़े मिनिस्टर था तो वहां जिनके घर में ठहरे थे उसके उसके आगे घूमने गए तो उनमें कोई डॉक्टर था ना ने कुत्ते रखे थे तो गाड़ी में बैठते थे कुत्ते को छू रहा मैंने कहा अपने बेटे को नहीं चुनता हुआ पत्नी को नहीं चुनता कुत्ते को चुन रहा है, मैंने कहा कितना भाग्यशाली है इतना बड़ा डॉक्टर और कुत्ते को चुन रहा है, कितना भाग्यशाली कुत्ता, इसको तो इसको इसने एमडी किया पता नहीं कितनी डिग्री ली, कितने साल लगे डॉक्टर को कितने साल लगे और कुत्ते ने कोई डिग्री नहीं ली और उसको आनंद मिल रहा है, बढ़िया मछली गाड़ी में एस क्लास में घूम रहा है, आनंद से घूम रहा है और बढ़िया फाइव स्टार खाने मिल रहा है, कितना भाग्यशाली है। हरी बोल बोलना पड़ेगा जी, हरी बोल बोलो, हरी बोल बोलो, हरी बोल जोड़ना बोले हरी बोल उसका हरी बोल हो जाए हरी बोल। अब क्या हुआ तुलसीदास बाबा ने राम जी से कहा, राम जी ने सिर पे हाथ फेरा कि तुलसीदास अब तुलसीदास का पसंद हो, तुलसीदास का पसंद हो, तू में तू श्री राम जी, तू में तू श्री राम जी, तुलसीदास का है तू, तुलसीदास में पांच अक्षर है तू ली पांच अक्षर है, तू में तू श्री राम जी, ला में लक्ष्मण जी, तू ला तू में तू श्री राम जी, ला में लक्ष्मण जी, तू में तू श्री राम जी, ला में लक्ष्मण जी, सी में सीता माई है दास तो है भाभी, तू में तू श्री राम जी, राम जी तू मेरा है, राम जी तू कौन है तेरा, बोलो राम जब बोल रहा हूँ राम के अभी तो कहीं पीछे बराबर मैं बात करता हूँ अभी फिर से राम जी हाथ मेरा, राम जी सामने खड़े खड़े हैं दुनु पांडे के खड़े, सीता भी खड़ी है, लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, भरत जी खड़े सब खड़े हैं, ये खड़े हैं तुलसीदास, तुलसीदास आंखों में ला करके राम जी से बोलते हो आपको हंसना पड़ेगा, आज तक आप हंसे नहीं मिलते, अगर तक हंसोगे नहीं आप मेरे से घर जाके मिलोगे नहीं, हंसकर नहीं मिलोगे तब तक मैं खड़ा हूँ, आपके चारों को छोड़ने वाला नहीं, मैं आपका कुत्ता हूँ, भगवान राम ने फिर से प्यार किया, फिर से कहा मेरा तू मेरे तू श्री राम जी, हे राम जी मैं आपका बोलो मेरा बोलो मेरा बोलो नहीं लेकर मैं उतने मारा नहीं आगे छोड़ू, राम जी ने कहा मेरा गले में खड़ा तू बातू तू मेरा तू मेरे तू श्री राम जी, महाराज आप पक्का एग्रीमेंट हो गया ना, एक 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 पॉइंट पर हो गया आप मेरे में आएगा, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमारे तो नैनों के तारे हैं, हमारे दिल के वो प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे राम जी अगले बात मामला के पहले 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 पहला निमंत्रण तो करो तू मेरे तू श्री राम जी, राम है और लक्ष्मण जी को बैठे खड़े हैं हमारे, लक्ष्मण जी को भी कहो है राम जी, लक्ष्मण जी को मेरे हैं, तो जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपका दास नहीं, कमारे इधर भक्ति करता है उधर मैं आपका दास हूँ और उधर बोलता है बोलो बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, एग्रीमेंट लो एग्रीमेंट लो, यू एग्री राम जी से बोलते यू एग्री, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी आप एग्री, तू मेरे तू श्री राम जी या मेरे लक्ष्मण जी, सी में सीता 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 माई खड़ी माँ सीता माता ने देख रही चेहरे को देख राम जी चेहरे को देख रही ऐसा करके देखती है मेरे पति देव काम से ऐसे ऐसे तुलसीदास के चक्कर में फंस गए और तुलसीदास को क्या कुत्ता हूं बाबा, तुलसीदास चेहरे को देख रहे हैं राम जी के सीता जी के लक्ष्मण जी के चेहरे को देख रहे तो तुलसीदास ने कहा महाराज मैं आपका कुत्ता हूं,
छाती भर लेगा, फिर पकड़ जो बोला मेरे को आपका नाम चाहिए सारा माल सारे सिक्के दो, मेरे को सारी सिक्की का मालिक मैं हूं, सारी सिक्की सिद्धि का मालिक हूं। रामजी और फिर से सीताजी ने कहा राम जी का बहुत गौन छोड़ने वाला नहीं, तो चल छोड़े हिल नहीं देते। सीताजी ने कहा मैं भी हूं हम राम छोड़े एक बार, हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के कैसे नहीं, भगवान ने वाणी दी है बोलना, हाथ भी है कान बजाना, और इन दोनों ने दिए तो हरि बोल वाणी दी है तो बोलना छोड़ना बोलो बोलना, और नहीं दी है तो नहीं बोलो, और हाथ भी है तो वाणी बजाना, हम राम जी के नाम ही हमारे
अरे गोरी प्रेम की रजिस्ट्रेशन नंबर है कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है होता है अमेरिका में होता है इंडिया में होता है रजिस्ट्रेशन नंबर महाराज मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपने किया हो दिया मेरा नाम अरे गोरी प्रेम की जिस खेत में जितना महाराज मेरी एक 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 आप में वो क्या बोलते होती हूँ किस पकड़ के चलता मालिक उसको क्या बोलते बड़ा घंटी घंटी होती है लोग महाराज करे गोरी प्रेम की जिस खेत में जितना आप जहां लेकर चलोगे महाराज जहां लेकर चलोगे वहां हम चलेंगे ठाकुर मेरा भी आप कह दो जहां लेकर आप कहां जाओ आप बैकुंठ में जाओगे मैं तो पीछे पीछे लेके जाऊंगा मालिक कुत्ते को अपने साथ डालता है मालिक हे राम जी आप बैकुंठ जाओगे तो पीछे मेरे परिवार वालों को क्रिया नहीं करनी पड़ेगी शांति पाठ भी करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे अपने हैं क्या है आप मेरे अपने मेरी बुद्धि के मालिक हैं मेरे प्राणों के मालिक हैं मेरे श्वासों के मालिक हैं मेरे बुद्धि के मालिक हैं शरीर के मालिक तो परिवार वाले होते हैं पत्नी कहती मैं मालिक हूँ पति कहता मैं मालिक हूँ भाई कहता मैं मालिक हूँ और बेटा कहता मैं मालिक हूँ और दोस्त कहते मैं मालिक हूँ सब कहते शरीर का मालिक फिजिकल बॉडी का और मेंटल बॉडी का कौन मालिक होता है मेरे राम जी और राम जी कौन राम जी आराम देते हैं राम जी क्या करते हैं आराम देते हैं आराम की तरफ है पक्के काम पर आराम की छह लिखता है आराम की तरफ है पक्के काम पर आराम की शर्त क्या राम की शर्त शरण दे दिला राम इसीलिए राम जपन क्यों छोड़ दिया मैंने कृष्ण भजन क्यों छोड़ दिया राम जपन क्यों छोड़ दिया मैंने हरि भजन क्यों छोड़ दिया राम जपन क्यों छोड़ दिया तैने हरि भजन क्यों छोड़ दिया छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तैने राम भजन क्यों छोड़ दिया राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम जपन क्यों छोड़ दिया तैने कृष्ण भजन क्यों जही सिमरन ते अति सुख पाहे जही सिमरन ते अति सुख पाहे गुरु नानक ने कहा वाणी में राम सिमर राम सिमर राम गुरु नानक की बात कहते प्रातः काल मध्यान्ह काल रात्रि काल जवानी का काल बचपन का काल जवानी का काल बुढ़ापे का काल राम सिमर यही करेगा राम सिमर यही करेगा ये तेरे साथ में जाने वाला है तो मैंने कहते हैं तेरे साथ में और कुछ नहीं जाएगा तेरे बुद्धि के पटल पर लिखा जाएगा तेरे मन के पटल पर लिखा जाएगा तेरे हृदय के पटल पर लिखा जाएगा तेरे प्राणों के पटल पर लिखा जाएगा तेरी इंद्रियों के पटल पर लिखा जाएगा तेरे श्वासों के पटल पर लिखा जाएगा तेरी नशों के पटल पर लिखा जाएगा राम
और सेठ लोगों को ऑफिस में क्या क्या समझ आ जाता है, कंप्यूटर में क्या क्या समझ आ जाता है, क्यों जी ऐसा होता है, क्यों जी माताओं को लॉकर में क्या है वो समझ आ जाता है, सेठों को बैंक में और कंप्यूटर में और ऑफिस में क्या क्या है समझ आ जाता है। पर एक चीज भूल जाते हैं कि हमारे मन पर बुद्धि पर राम जी का कब्जा है कि नहीं है, भूल जाते हैं। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, तब कबीर दयाल की भनक पड़े। राम सिमर इसलिए तो बारी कहते गुरुनाथ ने मारे कह रहे राम सिमर, राम सिमर एक तेरे का है और क्रेडिट कार्ड बोली जाएगा जी क्यों जी साढ़े चार महीने तक फट जाएगा नहीं पता। और कौन से बैंक का जाएगा, लक्ष्मी बैंक का जाएगा, कौन से बैंक का कार्ड जाएगा जी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उधर है केवल एक ही जाएगा राम नाम का क्रेडिट कार्ड जाने वाला है। अब वो कहां जाएगा, ये तो कपड़े तो होंगे नहीं, ब्रांड के कपड़े नहीं होंगे आपके पास, ब्रांड के कपड़े नहीं होंगे आपके साथ, जेब भी नहीं होगी आपकी बुद्धि की जेब में, हृदय की जेब में, मन की जेब में, कानों की जेब में राम नाम लिखा होगा वही जाने वाला है जी। मैंने कह रहा कुर्बानी कहती है यह मात्र पिता हुक्म इतना भाई, पहला नाम सब हो सही तमाम ध्यान दूत नाम चल रहे केवल राम संग तेरा, राम रामे की रामे जी रमे रामे गौरवे क्षेत्र नाम तत्ल श्री राम नाम हरा हरे वही जाने वाला है। कम से कम कैसे जाओ, कैसे लेके जाओगे, हृदय में लिख कर चित्त में लिख के लेके जाओगे, मन में लिख के लेके जाओगे। अब वो मन को शुद्ध कर दिया, पियो प्यूरिफाई क्या है, प्यूरिफाई प्यूरिफाई कर दो। इसीलिए यहां पर कह रहे विभीषण को, विभीषण ने राम जी को कहा कब लगी कुशल नकी रखा हो सपने उम्र भी खराब, जब लगी फलित राम कहू शोक धाम तरीका। ए राम जी जब तक आपकी कृपा मेरे मन पर नहीं होती, मेरी बुद्धि पर नहीं होती, मेरे चित्त पर नहीं होती, तब तक मेरा मन शांत नहीं होता, मेरी बुद्धि शांत नहीं होती। इसीलिए सुंदरकांड का पहला श्लोक है शांतम शाश्वत भक्त प्रमेय मनगम, राम जी का नाम है शांतम शाश्वत भक्त प्रमेय मनगम, राम जी का नाम रखो घटना का नाम नहीं है ना शांतम, शांतम शाश्वत, शाश्वत का और प्रशाश्वत नहीं, हमारा जीवन अशाश्वत है और वहां क्या क्या शाश्वतम अप्रमेय मनगम इधम निर्माण में विकल्प महाकाल काल के बाल गुणावार काल पान को एक बार गुणा शंकर समाधि में बैठे आपको से सुधार करवा दिया, चौथी बार चहलाई तो पिता बात है आपको शासित कर बोला हैरती नहीं पूछती हूँ आवाज एक शंकर बाबा हे 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 रामेश्वर भगवान हे महाकालेश्वर भगवान चिदानंदेश्वर भगवान एक बात पूछो आपकी आपको याद आपको चिदानंद संतो वहां पर आए आपको न शुक्ल न कृष्ण महिष्व न नीलम अरूपम तथा लोगी आकार रखता रूप न देखना रंग भी आपको तो सुख है नहीं दूसरे को तो आपकी आंखों से आगे क्यों एक बार कहा दो बार कहा तीन बार कहा चार बार कहा राम भगवान शंकर से कहा महाराज आप बताओ भगवान ने आंख खोली, भगवान शंकर ने आंख खोल के कहा हे पार्वती हे पार्वती हे माता पुत्री क्या कहूँ मैं मेरे राम का चिंतन कर रहा था, चिंतन करते करते इतना आनंद आया, इतना आनंद आया जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगा करके प्रसन्न होती है और अपने प्रेम के आंसू निकालती है, ऐसे मेरे राम जी जो मेरे पिता हैं उन्होंने मेरे को गले से लगा करके जो गले से लगाया तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए पार्वती
उमा दाल दूसर की नाही सबन चाव का काम करता है। मैं राम जी का चिंतन कर रहा है, यही सिमरन ते अति सुख पाए, यही सिमरन ते अति सुख पाए, सो सिमरन जो छोड़ दिया पहले राम जपन जो छोड़ दिया, राम जपन जो छोड़ दिया ते हरि भजन जो छोड़ दिया, राम जपन जो हरी भजन जो छोड़ दिया, खालिस इक भगवान भरोसे, खालिस इक भगवान भरोसे, तन मन धन जो न छोड़ दिया, मैंने राम भजन जो छोड़ दिया, श्याम भजन जो छोड़ दिया, तेरे हरि भजन जो छोड़ दिया, राम भजन जो छोड़ दिया, तेरे हरि भजन जो छोड़ दिया, राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, राम 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 जपन क्यों राम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, तेने राम जपन शेष है कल शुक्रवार, शनिवार और रविवार।
कल शुक्र और शनि का जो समय है वह सातवें से साढ़े आठवें तक का है एवं रविवार विशेष ज्ञान देखी का समापन दिवस है। उस दिन का जो समय है वह सायंकाल 6 बजे से और साढ़े 7 बजे तक का है। इस ज्ञान दिन में शुक्रवार और रविवार दोनों दिन प्रसाद सेवा के लिए खाली है। अगर विशेष श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद की सेवा देनी हो तो शुक्रवार और रविवार विशेष किसी भी दिन का चयन करके आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना नाम और टेलीफोन नंबर हमें प्रसाद सेवा के लिए दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में विशेष कार्यक्रम मंदिर में होने वाले हैं उसके संबंध में छोटी सूचना। 7 जुलाई शनिवार को किसी श्रद्धालु परिवार ने मां भगवती की चौकी का आयोजन किया है और उन्होंने आप सभी को शनिवार 7 जुलाई को इस चौकी में आने के लिए आमंत्रित किया है। आशा है उनके आमंत्रित हो तथा मां भगवती की कृपा आशीर्वाद प्राप्ति के लिए 7 जुलाई शनिवार सायंकाल आप 4 बजे मंदिर में अवश्य पधारेंगे। 8 तारीख रविवार को प्रत्येक मास के पहले रविवार को होने वाले हिंदू सेंटर एल्डर बुक की बैठक है वह हॉली हाउस 13766 में 8 जुलाई रविवार सायंकाल 4 बजे से और 6 बजे तक होगी। जो लोग इस बैठक में सम्मिलित होते हैं ध्यान दें समय को और तिथि को और उस दिन उस बैठक में अवश्य उपस्थित हों। इसके अतिरिक्त 15 जुलाई रविवार को विशाल संत सम्मेलन हिंदू सेंटर में इस वर्ष भी प्रतिवर्ष भाग होने जा रहा है। समय सायंकाल 5:30 बजे से और 7:30 बजे तक का। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने अन्य मित्रों को भी सूचित कीजिए ताकि वे लोग भी 15 जुलाई को इस भव्य संत सम्मेलन में समुपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए तथा इन संतों के दर्शन तथा इनके अमृतमय वचनों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य एवं प्राप्त कर सके। इन्हें सूचनाओं के साथ पुनः पुनः आप सबकी तरफ से पुत्र श्री को नमन करते हुए आज की सभा भाषण को विश्वास और आदि सभी आग्रह के प्राप्त के लिए करूंगी आग्रह धन्यवाद। Say my name.
Thank you.
राजा।